Well, welcome once again. आइए इनफाइनाइट सीरीज पर कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने कुछ टेस्ट की बात आपसे की थी, तो उन टेस्ट को और आगे बढ़ाते हुए लिमिट फॉर्म टेस्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था, उसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स अगर इस सीरीज को देखें आप, तो बड़े ध्यान से देखने पर मुझे दिखाई देता है कि वी कैन राइट इट एज 1/√(n)(n+1). ठीक है, ये मेरे पास un है. अगर मैं इसको बोलूं कि n का वैल्यू बहुत लार्ज ले लूं, तो n और n प्लस वन में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा. तो इसको मैं n और n n प्लस वन के प्लेस पर भी n कर सकता हूं, या जिसको आप सिंपली इक्वल टू 1/(n) बोल सकते हैं, n स्क्वायर रूट ऑफ दैट विच इज 1/(n). ठीक है, तो इसको आप इक्वल टू 1/(n) इक्वल टू 1/(n). तो un तो मेरे पास है 1/√(n) n+1, और मैंने एक नया vn और क्रिएट कर लिया 1/(n). अब आप बोलेंगे इससे फायदा क्या है आपको. हम लिमिट फॉर्म टेस्ट यहां लगाने की कोशिश कर रहे हैं un/vn, और अगर वो मेरे पास एक फाइनाइट एंड नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है, तो कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर की सिचुएशन मैं डिक्लेयर करूंगा जी. फिर इस vn को मुझे p सीरीज दिखाई दे रही है मुझे ये, और इस p सीरीज का यूज करके मैं इसको डाइवर्जेंट डिक्लेयर कर पाऊंगा जी. आइए देखते हैं किस तरह से. हमने कंसीडर किया un/vn. un आपके पास है 1/√(n)(n+1), एंड दिस इज 1/(n), यानी आपके पास आ गया n/(this). अब अगर मैं इसको डिवीजन करूं n से, तो ये मेरे पास आ जाएगा n+1/(n), विच इज 1/√(1+1)(n). लिमिट लिया मैंने n अप्रोच्ड इन्फिनिटी un/vn, यानी लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी 1/√(1+1)(n). तो ये मेरे पास 1 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0. फाइनाइट भी है जी, फाइनाइट एंड नॉन जीरो. फाइनाइट एंड नॉन जीरो की सिचुएशन मेरे पास आती है, तो लिमिट फॉर्म टेस्ट को यूज करके मैं क्या बोलूंगा, सिग्मा un एंड सिग्मा vn converges and diverges together. So sigma un and sigma vn converges and diverges together. अब आप देखिए बड़े ध्यान से सिग्मा वी एन को. सिग्मा वी एन यानी सिग्मा 1/(n) पी सीरीज, मैंने बोला इसको n^p. कंपेयर करें तो p=1, और p=1 का मतलब सिग्मा वी एन डाइवर्जिस इंप्लाइज सिग्मा वी एन डाइवर्जेस. ठीक है, और कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर की बात की थी. सिग्मा वी एन को आपने डाइवर्ज डिक्लेयर किया, सिग्मा यू एन को भी डाइवर्ज डिक्लेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी. आपने बोला
So sigma un also diverges. Perfect. ठीक, correct. आइए एक problem और discussion करते हैं. यहां देखें, test for the convergence of the series. सबसे पहले general term इसके बनाए, तो ये 3, 4, 5, 6, जिसको मैं लिख सकता हूं n+2, 3, 4, ये 7 हो गया जी, ठीक है, 7, 9, 11, अब ये आपके पास हो गया 2n+5, अगर आप इसको n बोल रहे हैं, इसका 2n करूंगा, तो 2 और उसके अंदर 5 और ऐड कर देंगे तो 7 आ जाएगा जी, तो 2n+5. चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू मेरे मुझे ऑब्टेन होंगी. n का वैल्यू 1 पुट करूंगा 3 आ जाएगा, 1 पुट करूंगा तो 7 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4, 5, 9 आ जाएगा, ठीक है. तो दिस इज un. अब इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम कि जी इसको कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, लेकिन अगर n आपके पास लार्ज लेते हैं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1/n और 1/2n, या कह दीजिए 1/2n² या 1/2n², ठीक है. तो 1/2n² आपके पास आ गया. अब 2 की तो कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, vn 1/n² को सपोज कर लिया और लिमिट फॉर्म टेस्ट मैंने लगाया, क्योंकि देखो ये n स्क्वायर लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी लेने पर ये मुझे हेल्प करेगा जी इसका रिजल्ट निकालने में जी. आइए लिमिट n अप्रोच इंफिनिटी un डिवाइडेड बाय vn. un आपके पास n+2, 2n+5 एंड दिस इज 1/n², करेक्ट. लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी मैंने लिया हुआ है, लिमिट n अप्रोच इंफिनिटी, तो लिमिट n अप्रोच इज इंफिनिटी n² से डिवाइड कर लीजिए, तो ये आएगा मेरे पास 1+2/n और ये मेरे पास आएगा 2+5/n, which gives me कितना जी 1/2, not equal to 0 और साथ साथ finite and non-zero, ठीक है, converges and diverges together, so sigma un and sigma vn converges and diverges together. अब sigma un की convergence तो नहीं चेक कर सकता, लेकिन मैं sigma vn की चेक कर सकता हूं. Here sigma vn यानी sigma 1/n² यानी sigma 1/n⁻⁶, तो p का वैल्यू आ गया 2 greater than 1, ये तो कन्वर्जेंट की सिचुएशन होती है जी. ये तो p सीरीज को अगर आपको याद हो तो कन्वर्जेंट की सीक्वेंस कन्वर्जेंट की कंडीशन होती है, तो sigma vn converges डिक्लेयर कर सकते हैं, सिग्मा un also converges, ठीक है. तो आपने कहा now sigma vn
converges implies sigma un converges. Yani, hence the given series converges. Is it fine? Right. आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं. ये क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से देखना है मुझे. मेरे पास आ रहा 1 square, नेक्स्ट में आ रहा 2 square, +1 +1. तो un क्या बन गया मेरे पास, ये तो बन गया √n² + 1, देन 1 2, यानी मेरे पास आ गया n. तो √n² + 1 - n, ये मेरे पास un आ गया. आप अगर इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, रेशनलाइज कर लें, n² + 1 - n, और इसे आप इनटू कर लें √n² + 1 + n डिवाइडेड बाय √n² + 1 + n. तो ये मेरे पास आ जाएगा n² + 1 - n² डिवाइडेड बाय √n² + 1 + n. ये बन गया 1/√n² + 1 + n. तो un को आपने रेशनलाइज करके कुछ इस तरीके से बना लिया. अब अगर इसे मैं देखूं तो विच इज इक्वलेंट टू 1/(n+n), यानी 1/2n. तो लगता है आपको कि vn मुझे 1/(n) सपोज कर लेना चाहिए थी. अब लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी un डिवाइडेड बाय vn. un आपके पास ये गिवन था जी, un जो आपके पास है दैट इज दिस वन. इसको थोड़ा सा इजी हमने बनाया, तो un इज 1/√n² + 1 + n इंटू 1/(n). ठीक है, तो लिमिट n अप्रोच इंफिनिटी आप लेके चल रहे हैं, n से डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव मी 1/(1/(n² + 1). करेक्ट, वो मुझे 1/2 दे गया, नॉट इक्वल टू 0, तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो. फाइनाइट नॉन जीरो, ठीक है. तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी तक बार बार हम करते चले आ रहे हैं, उसी तरीके से मुझे यहां पर भी डिक्लेयर कर देना है कि un एंड vn कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर, और सिग्मा vn डाइवर्जेस क्योंकि पी सीरीज है जी, 1 है. सो सिग्मा un डाइवर्जेस, ठीक है. तो सिग्मा pn un vn को देख करके मुझे सिग्मा un को भी डाइवर्ज डिक्लेयर करना पड़ा. इस तरह से और प्रॉब्लम देखते हैं. यहां एक और डिस्कशन मेरे सामने आ रहा है, इसमें भी डिस्कस करने को बोला गया. un को अगर मैं देखूं तो un मेरे पास है n³ + 1 और उसका √(-n). क्यूब रूट का मतलब है power 1/3, यानी आप इसको लिख सकते हैं n³ + 1 to the power 1/3 माइनस. अब अगर मैं इसमें से n कॉमन निकाल लूं, यानी n³ कॉमन अगर मैं इसमें से निकाल लेता हूं, तो मेरे पास वो n बनकर बाहर आ जाएगा, दैट विल बी n, और मेरे पास रह जाएगा 1/(1/(n³)-1/3 - 1. और हमने सोचा इसमें बाइनोमियल थ्योरम हम लोग लगा लें. देखिए बाइनोमियल थ्योरम कैसे लगा रहे हैं.
n मेरे पास आउटसाइड है और यहां मेरे पास आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 3 n क्यूब देन 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 माइनस 1 इनटू 2 फैक्टोरियल और साथ में आएगा n टू द पावर 6 लाइक दिस. इस तरह की टर्म्स मेरे पास आती चली जाएंगी और ये मेरे पास आ जाएगा n. दिस इज नॉट 1, दिस इज n. ठीक है, अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये n आपके पास यहां कैंसिल हो जाने वाला है, n यहां से कैंसिल हो जाएगा तो un आपके पास जो आ जाएगा वो n प्लस 1 अपॉन 3 एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 एंड माइनस 2 अपॉन 3 और ये 2 फैक्टोरियल यानी 2 और ये n टू द पावर 5 सो ऑन और फिर माइनस n, ये n इससे कैंसिल हो गया, ये मेरे पास बन गया un. अब अगर आप यहां vn की बात करें तो vn आपके पास किस तरीके से बन रहा है, vn आप 1 अपॉन n स्क्वायर को सपोज कीजिए, जैसे पिछली बार हमने लिया था बिल्कुल उसी तरीके से 1 अपॉन n स्क्वायर आप इसको लीजिए और लिमिट अगर आप n अप्रोच टू इंफिनिटी un डिवाइडेड बाय vn करेंगे तो ये n स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल होगी, केवल बाकी सब में n बचेगा, केवल एक ये वाली टर्म जो है दैट विल बी फ्री फ्रॉम n हो जाएगी और रिजल्ट मेरे पास ये 1/3 आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0. और नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हुआ जी फाइनाइट एंड नॉन जीरो कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर. ठीक है, तो आप इस 1 अपॉन n स्क्वायर को, यानी अगर आप यहां से सिग्मा 1 अपॉन n स्क्वायर जिसको आप p सीरीज बोलते हैं और p की वैल्यू मेरे पास यहां 2 आ रही है तो आप बोलेंगे ग्रेटर देन 1 हो गया, ये कन्वर्ज जाएगा जी. तो इसलिए आप क्या डिक्लेयर कर दीजिए, सो सिग्मा un जो कि ये गिवन था जी मुझे ऑल्सो कन्वर्ज. करेक्ट, आइए और प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं. टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज को बड़े ध्यान से देखें 1, 3, 5. तो un अगर आप निकालने की कोशिश करें तो रूट 2n-1, नीचे क्या आ रहा है जी 4, 6, 8 देन आपके पास ये हो गया 2n+2, n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे 6 हो जाएगा, 8 आ जाएगा और नेक्स्ट आपके पास इससे भी 2 ज्यादा है, ये 4 है तो 6 है, 6 है तो 8 है, हर टर्म पिछले वाली टर्म से 2 ज्यादा है तो इसे मैंने 2n+2 बोला तो इसे मुझे 2n+4 बोल देना चाहिए. ये तो हो गया जी मेरे पास un के बारे में. अगर मैं इससे vn बनाने की कोशिश करूं तो इसे तो मैं रूट ऑफ 2n बोल दूं, ठीक है, और नीचे भी इसे भी 2n इसे भी 2n दोनों को आप 2n बोल दीजिए तो आपके पास कितना आ गया जी, दिस इज 2n, दिस इज अगेन 2n, यानी मेरे पास आ गया रूट 2n अपॉन में 4n स्क्वायर. तो ऊपर वाले इससे कैंसिल अगर मैं कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा रूट 2 और अपॉन में ये 4 n की पावर 2 ये हाफ कम कर दीजिए तो n टू द पावर 3/2. ठीक है, तो vn हमने सपोज कर लिया 1 अपॉन
n to the power 3 by 2, करेक्ट। फिर लगाने की कोशिश करते हैं लिमिट फॉर्म टेस्ट। लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी un डिवाइडेड बाय v, un मेरे पास जैसा गिवन है वैसे का वैसे ही लिखना है मुझे, 2n प्लस 2 देन 2n प्लस 4 और n2 में दिस मच 1 अपॉन n टू द पावर 3 बाय 2। ठीक है, अब आप इससे डिवीजन कर लीजिए, तो आप इसको रूट एन से डिवाइड कीजिए। देखिए जिस प्रकार से लिख सकते हैं हम इसको, इसको हमने रूट एन एन से डिवीजन किया और ये एन स्क्वायर हो गया, ये एन स्क्वायर यहां एडजस्ट कर लिया। तो अब अगर आप इसको लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो ये मेरे पास आएगा रूट ऑफ टू माइनस वन अपॉन एन एंड देन टू प्लस टू अपॉन एन एंड देन टू प्लस फोर अपॉन एन। तो ये मेरे पास ऊपर आ गया रूट टू, नीचे आ गया फोर। तो वन अपॉन टू रूट टू विच इज नॉन जीरो, तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फिर वही बात कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। तो सिग्मा वी एन को देखें तो सिग्मा वी एन वन अपॉन एन टू द पावर थ्री बाय टू यानी पी सीरीज, पी की वैल्यू थ्री बाय टू, इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेस। तो सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट, ठीक है, तो सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा कि लिमिट फॉर्म टेस्ट का हमने बार बार यूज किया और कन्वर्जेंट की बात की। एक आध प्रॉब्लम और भी है, इसे भी आप इसी तरह से अपने आप से कर सकते हैं। तो अगला टेस्ट अगली बार नेक्स्ट टाइम एक प्रॉब्लम ये और है मेरे सामने, तो इसे भी आप अपने आप कर सकते हैं। तो आगे का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।